Hey guys, welcome back to my YouTube channel that is Neha Diaries. आपका स्वागत है मेरे चैनल में. I hope you like my videos. But आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अलग वीडियो होगी. आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे बेनिफिट्स, वो भी लीची के, जो आए दिन हमारे सीजन में बहुत ही ज़्यादा आ रही है, और उसके ऐसे ऐसे बेनिफिट्स जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे. बट इसके जो रीजंस हैं वो इतने इंटरेस्टिंग रीजंस हैं जिससे आपको खुद को मन करेगा इसको कंज्यूम करने का. तो वो क्या रीजंस हैं, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ. आई होप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर आपको आगे भी मेरी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियो का अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक आ जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स स्टार्ट इट. तो मैं आज लेके आ चुकी हूँ ड्रिंक चीज, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, लीचीज. ये लीचीज इतनी बेनिफिशियल है, और आज जितनी भी क्वेरीज होंगी इससे रिलेटेड वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी. अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो सबसे पहले इसकी बात शुरू करते हैं, ये कितनी गुणकारी है, कितनी बेनिफिशियल है, कैसे? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट इसके अंदर होते हैं. दूसरी बात, जो भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए ये एक मैजिकल फूड है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लो इन कैलोरीज होते हैं, हाई फाइबर होते हैं, डाइट्री फाइबर्स होते हैं. और एक और बात, ये सबसे ज़्यादा असेंशियल मिनरल्स कैरी करता है, जैसे कि फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर एंड मैनी मोर. और ये सारे जो मिनरल्स हैं वो, जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया कि ये कितने सारे मिनरल्स, असेंशियल मिनरल्स कैरी करता है, बट ये सिर्फ मिनरल्स ही कैरी नहीं करती, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा, फॉस्फोरस एंड अदर थिंग्स मैंने, और ये बहुत सारी चीज़ें कैरी करता है जैसा कि आपने देखा ही होगा. बट अभी आपको क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, इसे कब कंज्यूम करना चाहिए, व्हेन इट शुड बी कंज्यूम्ड, मॉर्निंग में, इवनिंग में या नाइट में? तो कोई भी फ्रूट हो, मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस, कोई भी फ्रूट हो उसका बेस्ट टाइम कंजम्पशन का सिर्फ मॉर्निंग होता है. अगर आपको फिर भी टाइम नहीं मिलता है तो इवनिंग तक आप जा सकते हैं, बट नाइट में आपको कभी कोई फ्रूट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो ना तो डाइजेस्ट हो पाता है. दूसरी बात ये कि वो रात के टाइम काफ़ी कुछ अपनी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती, डाइजेशन में दिक्कत आती है. वैसे ही डाइजेशन में सबसे अच्छे होते हैं, पर अगर आप किसी भी फ्रूट को नाइट में कंज्यूम करेंगे तो उसका डाइजेशन बिगड़ जाएगा अपनी बॉडी का. सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस. नाउ अब कईयों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये कितनी ले सकते हैं दिन में. अब जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज़, कोई भी चीज़ को अगर आप एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो वो आपकी बॉडी को हार्मफुल ही होगा, इसलिए कुछ भी खाएं तो वो लिमिट में ही लें. भले ही लीची ही है, अगर आप इसे चाहें, कईयों को बहुत पसंद होगी, कईयों को नहीं होंगी, कईयों को मेडिसिन की तरह भी लेने हो तो ले सकते हैं. अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट और आइडियल आइडिया है, तो ये आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए. और दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कितनी लेनी चाहिए. तो हम वन थे, तो ये लेनी चाहिए हमें 10 से 12, मीन्स वन, ऐसे 10 to 12 हम ले सकते हैं, बट इन मॉडरेट क्वांटिटी. अगर आप 10 से 12 के बीच में लेते हैं लीचीज़ तो ये हार्मफुल नहीं है, बट अगर आप इसे ज़्यादा लेंगे तो आपकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट होगा, प्लस साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं. तो आप इसे मॉडरेट क्वांटिटी में ही यूज़ करें. और ऐसी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के जानने के लिए प्लीज़ लाइक करें, मेरा मुझे अप्रिशिएट करें इन कमेंट्स, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस लाती रहूँ. बाय गाइस.